Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों, कोई दो इंसान प्यार करने वाले अगर अलग अलग हो जाए तो फिर उनका क्या होता है, ये तो हर इंसान को पता है। वो दोनों इंसान पूरी तरह से टूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी की, जो कि ट्रैक पर एक बार फिर वापस आ गई है। अगर ट्रैक की बात करें तो गायू और समर्थ का बच्चा वंश को लेकर कार्तिक बहुत ही खुश है, पर अगर दूसरी तरफ देखें तो कार्तिक नायरा को लेकर भी परेशान है। पर नायरा जिंदा है और वो भी सोच रही है कि अगर स्कूल में किसी ने इसको इसके पापा के बारे में कुछ कह दिया तो क्या होगा, इसको लेकर नायरा भी परेशान है। वहीं अगर बात करें तो नायरा भी कार्तिक के पास दोबारा नहीं जाना चाहती। अगर दूसरी तरफ आपको बता दें कि आगे के आने वाले ट्रैक में आपको देखने को दिखेगा कि जहां नायरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया था, वहीं डॉक्टर खुद गोयनका परिवार को फ़ोन करके बताएंगे कि नायरा मरी नहीं है, वो जिंदा है और वो कार्तिक के साथ नहीं रहना चाहती है। तो दोस्तों, कहानी का ट्रैक और भी काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अब कार्तिक को क्या नायरा मिलेगी और मिलेगी भी तो किस तरह मिलेगी, हर फैंस के दिल और दिमाग में यही बात घूम रही है। अब बात कह रहे कैसे मिलेगी, तो दोस्तों कोई और नहीं, नायरा का बेटा कारव ही नायरा और कार्तिक को एक बार फिर मिलवाएगा। अब बात करें प्यार की, तो कार्तिक अभी भी अपना नायरा को बेइंतहा प्यार करता है। अगर नायरा फिर से एक बार उसे मिल जाए तो वो पूरी तरह से खुश होगा और परिवार वाले भी पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। इस सीरियल के हर छोटे से बड़ी अपडेट को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.